everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, ये हमारा average का second video है. So guys, जो हमारा first video था, उसमें जो हमने चीज़ discuss किया था, उसको एक बार हम revise कर लेते हैं. Then हम जो second video का content है, उसको हम start करेंगे. So first video हमने discuss किया था, जो हमारा main point था कि अगर आपको कोई भी terms है, वो अगर आपको arithmetic progression में given है, like 2, 4, 6, 8, 10, तो इनके बीच का जो difference है, वो 2, 2 का है. तो अगर डिफरेंस सेम होता है टर्म्स के बीच में, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं उनके बीच अगर डिफरेंस सेम होता है वो टर्म्स एपी में होता है. तो उसमें रेशियो निकालने का ट्रिक क्या था हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 2 प्लस लास्ट टर्म 10 बाई 2 कर देंगे हम, तो क्या 10 प्लस 2 12 बाई 2 इज इक्वल टू 6, ये इसका एवरेज हो गया, जो हमारा निकालने का शॉर्टकट ट्रिक था. फिर इसमें हम दो पॉइंट्स और डिस्कस किए थे कि अगर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो अगर ऑड में है, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 इसमें जो टर्म्स है वो ऑड नंबर ऑफ टर्म है, तो जो इसमें ऑड ये सब अगर एपी में है, ये सीरीज एपी में है एंड इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो जो हमारा मिडिल टर्म होगा वो इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, मिडिल टर्म एवरेज हो जाएगा. अब ये था हमारा ऑड के केस में, किसके केस में, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है. अगर सेम अगर इवन नंबर के केस में होगा तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, अगर ऐसा होता 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये इवन नंबर केस में, तो इसमें जो मिडिल का टू टर्म्स होगा, तो इसमें मिडिल का टू टर्म्स कौन कौन सा है, यहाँ पे मिडिल का टू टर्म है 6 एंड 8, तो इसके केस में क्या होता है, इसको हम इन दोनों का एवरेज फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 8 + 6 = 14 / 2 = 7, सो इसका एवरेज हो जाएगा 7. अब लास्ट वीडियो में मैंने ये बोला था कि हम जो हमारे पास यहाँ तीन कॉन्सेप्ट्स है, मीन्स एक ही क्वेश्चन होगा उसमें हम तीन टाइप के चीजों को अप्लाई कर सकते हैं. एक तो जो फर्स्ट टू टर्म्स हमने ऐड कर दिया, फिर अगर उसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसका मिडिल टर्म एवरेज हो जाएगा, और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो हम मिडिल के टू टर्म्स को ऐड करके देन उसका एवरेज फाइंड कर सकते हैं. हम इस क्वेश्चन में ये जो हमारे पास इवन नंबर है, इसमें हम लास्ट के टू टर्म्स को भी, जो फर्स्ट टर्म है एंड लास्ट टर्म, इसको भी हम ऐड करके एवरेज फाइंड कर सकते हैं, 14 / 2 = 7. बट ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन की हमें ये वाला ट्रिक अप्लाई करना है या फिर ये वाला ट्रिक. मीन्स ये हो गया हमारे पास मिडिल जो टर्म्स है उसका ट्रिक, एंड ये हो गया हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वाला ट्रिक. सेम केस इसमें है, इसमें भी हम इन दोनों को ऐड करके फाइंड कर सकते हैं, 2 + 10 / 2 = 12 / 2 = 6, या फिर मिडिल टर्म 6, दोनों एवरेज करेक्ट है. बट ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन के, हम मिडिल टर्म वाला अप्लाई करेंगे या फिर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वाला. सो गाइज हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा ट्रिक को कब अप्लाई करना है. गाइज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल में हमें फाइंड करना है फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7, फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7, इसका हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है. तो फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7 मीन्स क्या हो जाएगा, 7 × 1, 7 × 2, 7 × 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा 7 × 20 तक. सो यहाँ से आपको एक चीज दिख रहा होगा कि इन सभी टर्म्स में क्या है, 7 हमारे पास कॉमन है, तो अगर हम सबसे 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 कॉमन आ जाएगा 1 + 2 + 3 + so on कहां तक जाएगा, 20 तक, अपॉन में कितने टर्म्स है, 20 टर्म्स, तो 20 आ गया. अब हमें क्या करना है, ये हो गया हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला कि हम सभी टर्म्स को प्लस कर दे अपॉन 20 कर दे, ये हो गया एवरेज का फॉर्मूला, या फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ये तो हो गया हमारे पास एक फॉर्मूला जो हमारा जनरल फॉर्मूला है. अब जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस किया है, यहाँ पे क्या है, जो आपके पास टर्म्स गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है, फिर 2 और 3 डिफरेंस 1 है, फिर 3 और यहाँ 4 होगा उसका भी डिफरेंस 1 होगा. मीन्स ये सभी टर्म्स किस में है, एपी में है, तो हम अगर इसका एवरेज फाइंड करेंगे 1 + 2 + 3 + so on कहाँ तक है, +20 तक, इनका जब एवरेज फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म अपॉन 2, ये भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मिडिल टर्म अगर पता नहीं है, पता तो है मिडिल टर्म, बट हमें ये पूरा सिक्वेंस, फुल सिक्वेंस लिखना पड़ेगा, मीन्स 1 to 20 तक लिखना पड़ेगा, देन हम मिडिल टर्म वहां से फाइंड करेंगे. बट यहाँ पे हमें क्लियर पता है कि 1 और 20 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है, ये पूरा सिक्वेंस किस में हमारे पास, एपी में है, पूरा सिक्वेंस एपी में है, तो हम यहाँ से इसका एवरेज फाइंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7, इसका एवरेज हो जाएगा 1 + 20 / 2, तो ये हो गया हमारे पास 7 × 21/2, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 × 7, 7 × 2 = 14/2, तो यहाँ से इसका एवरेज आ गया 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6.5, ये हो गया हमारे पास किसका एवरेज, फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7. सो गाइज अब यहाँ से आपको एक चीज दिख रहा होगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए मल्टीपल्स वाला, लाइक
फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स ऑफ फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ किसी भी टर्म का मल्टीपल्स आएगा तो उसमें हमेशा क्या चीज कॉमन होगा, लाइक आपको क्वेश्चन है फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ थ्री, इसका हमें एवरेज फाइंड करना है। तो इसमें आपको इसमें आपको इसमें भी सेम ट्रिक अप्लाई होगा कि हम थ्री कॉमन आ जाएगा, 1 2 3 ये कहां तक चला जाएगा 10 तक, ये सबके बीच में ऐड हो जाएगा, ऐड है। अब इनका एवरेज फाइंड करना तो क्या हो जाएगा, थ्री फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को ऐड कर दो 10 + 1/2, तो क्या हो जाएगा 3 × 11/2 33/2, तो ये क्या आ गया हमारे पास 15 × 30 16 × 32 16.5, ये एवरेज आ गया हमारे पास फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 का। अब आप इसको ऐड करके भी चेक कर सकते हैं टर्म बाय टर्म, लाइक क्या हो गया 3 × 3 6 × 3 = 9 3 × 4 = 12 3 × 5 = 15 3 × 6 = 18 21 3 × 24 3 × 27 3 × 10 = 30। अब इनमें क्या है, सब में 3 3 का गैप है, तो यहाँ से भी एपी फॉर्म हो रहा है, आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर आप इस सम को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो क्या हो जाएगा 7 + 4 11 + 1 12 20 25 27 27 प्लस 9 हो जाएगा 33 प्लस 6 39 प्लस 3 42 का 2 कैरी हो जाएगा 4 हमारे पास, यहाँ पे होगा 2 × 4 2 × 2 3 2 × 5 2 × 7 2 9 10 11 12 एंड ये हो जाएगा 16। तो यहाँ से क्या आ गया 162 पॉइंट अपॉन में क्या है 10 है, यह आ गया 16.2। यहाँ पे शायद कहीं मिस्टेक हो रहा है, 6 + 3 9 + 9 18 + 2 20 25 + 33 134 438 एंड 38 + 7 आ गया 45, यहाँ पे आएगा 5, तो यह आ गया हमारे पास 165 एंड यहाँ से आ गया 16.5। सो गाइस आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि हम इस वाले पूरे फुल प्रोसेस के साथ फाइंड करें या फिर हम डायरेक्ट फाइंड कर ले, आंसर हमारे पास सेम आने वाला है। सो इस क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ भी आपको गिवन होगा कि हम हमें किसी भी लाइक किसी भी टर्म्स का कोई फिक्स वैल्यू तक हमें उसका मल्टीपल्स का एवरेज फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल वो टर्म सबसे कॉमन आ जाएगा और जितने वैल्यू तक का फाइंड करना होगा वो उन वैल्यूज को ऐड कर देंगे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को अपॉन टू कर देंगे। तो ये सभी टर्म्स किस में थे हमारे पास, ये सभी टर्म्स थे हमारे पास एपी में। तो ये हमारे पास पता चल गया कि हमें इस फॉर्मूले को कहाँ पे अप्लाई करना है। अब हम एक दो क्वेश्चन इस पे और डिस्कस कर लेते, उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो मिडिल टर्म वाला है उन टाइप के फॉर्मूला को कहाँ पे अप्लाई करना है, किस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो गाइस हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें एवरेज गिवन है, किसका एवरेज है, एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर के हमारे पास एवरेज क्या गिवन है 27 एंड इसमें जो चारों कंसेक्यूटिव इवन नंबर है इसमें से हमें जो लार्जेस्ट सबसे लार्जेस्ट होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें लार्जेस्ट नंबर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है जो इन चारों जो 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इसमें जो सबसे ग्रेटर होगी उसकी वैल्यू क्या होगी उसको हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, लाइक 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, सपोज ये चार टर्म है तो 1 का कंसेक्यूटिव 2 है, 2 का कंसेक्यूटिव 3 है, 3 का कंसेक्यूटिव 4 है। तो यहाँ से कंसेक्यूटिव का मतलब ये हुआ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो आप मान लें कि सपोज जो फर्स्ट इवन नंबर होगा इन चारों में से जो हमारे पास फर्स्ट इवन नंबर होगा वो सपोज आप एज्यूम कर ले कि क्या होगा x होगा, तो जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव होगा इवन नंबर ही, तो इवन नंबर क्या होता है, लाइक आपका इवन नंबर का सीक्वेंस होता है 2 4 6 8 10, तो इनके इनके बीच का जो डिफरेंस क्या होता है, जो गैप होता है वो 2 2 का होता है। इट मींस कि फर्स्ट इवन नंबर x है तो जो नेक्स्ट इवन नंबर होगा क्या होगा x + 2 होगा, तभी इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 2 का होगा। नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा x + 4 होगा, नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा x + 6 होगा एंड यहाँ पे क्या गिवन है 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तो ये चार कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो गए इनका जो एवरेज है वो क्या है 27 है, ये इनका एवरेज है। तो अभी एक चीज हमने डिस्कस किया अभी क्वेश्चन में कि x + 2 डिफरेंस कितना है 2 का है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है, मीन्स ये चारों टर्म्स क्या है एपी में है। तो यहाँ से हम एक चीज हमें पता चल रहा है कि आपको सपोज आप ऐसा मान लें कि एवरेज आपको गिवन नहीं है, मान लें कि आप एवरेज गिवन नहीं है, तो अगर आपको सिर्फ ये चार टर्म्स ही गिवन है तो इन चार टर्म्स का हम एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, x + x + 6/2 ये हो गया इन चार टर्म्स का एवरेज, बट क्वेश्चन में एवरेज गिवन कितना है 27, तो इसको हम 27 का इक्वल कर देंगे। सो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2x + 6 = 27 × 2, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 कॉमन आ गया, x + 3 हो गया, ये इस टर्म से 2 कॉमन आ गया = 27, यहाँ से 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, मैंने एक स्टेप यहाँ पे मिस कर दी स्किप कर दिया है, तो यह 2x + 6 = 27 × 2 आ गया, तो यहाँ से x + 3 यहाँ से 2 कॉमन आ गया = 27 × 2 है, तो ये 2 दोनों साइड है ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई
एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 27, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 24। ये जो 24 है ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू है। हमें क्या है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है इन चारों में से। तो इन चारों में से लार्जेस्ट कौन सा होगा, सबसे लास्ट वाला होगा जो कि है x प्लस सिक्स। तो x इक्वल 24 है प्लस 6 इज इक्वल टू 30, ये हो गया इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया है फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू वाला ट्रिक, बट इसमें हम ये इवन नंबर टर्म्स है तो इसमें हम मिडल टू को भी प्लस करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ से हो जाएगा x प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर अपॉन टू इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 27 इंटू 2। ये टर्म वही है जो यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा था, 2x plus 6 is equal to 27 into 2, means इसको भी जब हम इसको ही further solve करेंगे तो x के लिए हमारे पास 24 ही आने वाली है, and फिर x plus 6 की बजाय की 30, जो कि हमारा आंसर है। So guys, I hope कि आपको ये question clear हो गया होगा। अब next question discuss करते हैं जिसमें level उस question का इससे थोड़ा सा high होगा, little bit high, but formula उसमें same use होगा। Now guys, हम जो next question है, इस question में given है in sequence of 12 consecutive odd numbers, the sum of first 5 number is 425. So consecutive odd number क्या होगा, means अगर 3 odd number है, तो उसका next consecutive odd number क्या हो जाएगा, 5. बस उसके just जो बाद वाला number होगा, 5 का हो जाएगा 7, 7 का हो जाएगा 9, 9 का हो जाएगा हमारे पास 11. तो ये हो गया हमारे पास consecutive odd number, means जैसे कि first 3 है, तो इसके just बाद वाला odd number क्या होगा, इसके just बाद वाला odd number, इसके just बाद वाला odd number. So हमने यहाँ पे assume कर ले कि जो first हमारे पास odd number है in 12 consecutive में से वो x है, तो second हो जाएगा x plus 2, third x plus 4, x plus 6, x plus 8, and ये जो 5 terms है इनका sum कितना given है, 425 question में given है। तो हम अगर इन पांचों का average find करें, तो average find करने का बस formula क्या है, sum upon total number of elements, जितने elements है, जितने quantity है, कितने 5 है, तो ये हो गया 5, it means कि 425 upon 5, तो ये हो गया हमारे पास 85, ये value आ गई। अब इसमें एक और point था कि यहाँ पे ये AP फॉर्म कर रहा है, ये क्या हमारे पास AP है, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 का है, यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ डिफरेंस 2 का है, तो जब AP फॉर्म कर रहा होता है तो उसमें, और यहाँ पे एक और पॉइंट है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं, 5 है, मीन्स ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इस केस में जो मिडल टर्म होता है हमारे पास, ये मिडल टर्म है, यही हमारे पास क्या होता है, एवरेज होता है। एंड एवरेज की वैल्यू क्या है हमारे पास, 85 है, इट मीन्स जो हमारे पास सिक्वेंस फॉर्म हो रहा है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पे हमें जो थर्ड टर्म है इसकी वैल्यू पता चल गई, वो क्या है, 85 है थर्ड टर्म की वैल्यू। तो यहाँ से हम इसकी हेल्प से हम आगे के सभी टर्म्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्योंकि इन सभी टर्म्स का जो क्या हो जाएगा, हमें प्लस टू करते जाना है, हमें सभी टर्म्स की वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि ये सभी एपी में है, इनका डिफरेंस कितना का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, तो 85 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 83 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 81, 85 तो यहाँ 87, यहाँ पे 89, 91, 93, 95, 97, 99, and similarly यहाँ पे हो जाएगा 101, and यहाँ पे 103. अब क्वेश्चन ने पूछा क्या लास्ट फाइव नंबर का हमें सम फाइंड करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो यहाँ से लेके हमें इसका सम फाइंड करना है, तो इसका सम क्या हो जाएगा? अब जैसे कि इसका सम हमें फाइंड करना है, तो इसका सम या तो आप ऐसे कर सकते हैं 103 प्लस 101 प्लस 99 प्लस 97 प्लस 95, आप ऐसे करके इसका सम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसका सम फाइंड करने का एक और ट्रिक है कि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है हमारे पास सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है हमारे पास एवरेज। एंड हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, हमें सम फाइंड करना है, तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, यहाँ पे 5 है। अब हमें इन पांचों का एवरेज फाइंड करना है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, पहले बता चुका हूँ डिफरेंस 2-2 का है, ये एपी में है, ये पांचों नंबर किस में है, एपी में है, एंड ये कितने हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, मीन्स ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ये जो है हमारे पास क्या है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की केस में अभी डिस्कस किया, मिडल टर्म होता है एवरेज होता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसमें से जो मिडल टर्म वो क्या है, मिडल टर्म मेरे पास 99, इसका हो गया एवरेज हो गया, तो क्या आ गया 99, तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45 कैरी 4 9 5 45 प्लस 9 प्लस 4, ये हो गया 495। इट मींस कि जो फर्स्ट 5 का एवरेज था 425, एंड लास्ट 5 का जो हमारे पास सम आ गया, सॉरी ये सम है 425, एंड जो लास्ट 5 का हमारा सम आ गया वो क्या हो गया, 495। सो गाइज, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन से थोड़ा बहुत क्लियर हो गया कि कैसे हम कहाँ पे मिडल टर्म को यूज करेंगे, एंड किस किस क्वेश्चन में हम जो एंड वाला टर्म्स होगा उसको हम यूज करेंगे। यहाँ पे भी हम एंड वाले टर्म को यूज कर सकते थे, लाइक एक्स
प्लस एक्स प्लस एट बाई टू करके उसकी वैल्यू यहाँ पे 85 हो जाती। बट ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, यहाँ से हम डायरेक्ट हो गया हमारा मिडल टर्म की वैल्यू 85। आप इस वाले मेथड से भी आप एवरेज यहाँ से फाइंड करके फिर मिडल टर्म की वैल्यू फाइंड करके या फिर एक्स की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लेते इस वाले फॉर्मूला से, एंड देन आप इस वैल्यू की हेल्प से आप सभी वैल्यू को लिख कर फिर उसके बाद आप इसके सम को कैलकुलेट कर सकते थे। नाउ गाइज, अब हम इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गाइज, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, द सम ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आर 656। मीन्स अगर हम क्या यहाँ पे 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का हमें सम गिवन है, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सपोज हमने मान लिया एक्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एंड एट्थ, इनका सम क्या है, 656 है। तो फर्स्ट अगर एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एंड देन एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस एट, एक्स प्लस टेन, एक्स प्लस ट्वेल्व, एंड ये हो जाएगा एक्स प्लस फोर्टीन। तो इनका जो सम है वो क्या है, 656। तो अगर हम इन आठों का एवरेज फाइंड करेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा, 656 अपॉन 8, तो जाएगा 8 इज 64, 8 टू 16, ये हो गया हमारे पास एवरेज। अब ये क्या है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, मींस ये सब किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एपी में है, तो एपी में है, एंड इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड नंबर है। इट मींस कि जो मिडल का टू टर्म होगा उसका एवरेज इस एवरेज के इक्वल होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 8 टर्म्स हैं। मींस ये जो मिडल का टर्म होगा इन दोनों के बीच में क्या इसका वैल्यू है, अगर हम इस वाले को y एज्यूम कर लें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, y प्लस टू हो जाएगा। तो यहां से अगर हम y प्लस टू अपॉन टू, इसकी वैल्यू क्या हमारे पास, 82 है। तो यहां से अगर हम फाइंड करें 2y प्लस टू इज इक्वल टू 82 इंटू टू, तो y प्लस वन की वैल्यू आ गई हमारे पास 82, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 81, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 81। इट मींस कि ये वाला जो टर्म है, इट मींस कि हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमने y को, ये फोर्थ वाला टर्म y एज्यूम किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 81 आ गई हमारे पास। तो नेक्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इस टर्म की वैल्यू 81, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 81 प्लस 2 83 85 87 89, एंड यहाँ पे टू टू टर्म्स माइनस कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास ऑड नंबर्स की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है, द एवरेज ऑफ फोर कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 87। तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर में भी यही हो जाएगा, सपोज हम इवन नंबर को मान लेते हैं ई, तो क्या हो जाएगा ई ई प्लस टू ई प्लस फोर एंड ई प्लस सिक्स, एंड इनका जो सम है वो क्या है, एवरेज, सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पे इसका एवरेज गिवन है, एवरेज क्या हमारे पास 87 है। इट मीन्स कि ये भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड है। तो यहाँ पे भी इसको अगर हम y मान लें, इसको अगर हम y प्लस टू मान लें, तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, y प्लस टू बाई टू इज इक्वल टू वैल्यू क्या है, 87 है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, y प्लस वन इज इक्वल टू 87, तो y की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 86। इट मीन्स कि हमारे पास जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, हमने सेकेंड टर्म को y माना था, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 86, इसकी वैल्यू हो जाएगी 88, इसकी वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 90, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 84। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, ऑड नंबर का ये टर्म था, इसमें स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, सबसे फर्स्ट वाला, तो 81 में से माइनस 2 करेंगे, ये हो जाएगा 79, यहाँ हो जाएगा 77, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 75। तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या हो गया, 75 प्लस सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर, तो सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर क्या है, 88 है, तो 88, तो क्या हो गया, 8 प्लस 5 13 का 3 कैरी 1, 8 15 एक 16, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 163। सो गाइज, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम जो हमारा फॉर्मूला था एपी वाला, हमने जो फॉर्मूला एपी का डिस्कस किया था उसमें हमने टोटल 3 फॉर्मूलाज को डिस्कस किए थे, उसको कैसे कैसे एंड क्वेश्चन में कहाँ कहाँ यूज करना है, उन सभी टाइप्स के क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप इस वीडियो को दोबारा से देखें, एंड अगर एक बार में नहीं समझ आया तो आप दूसरी बार देखें, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, एंड अगर कोई सजेशन हो रिगार्डिंग दिस वीडियो की मैं इस पॉइंट पे कुछ ऐसा समझा सकता था, इसमें कुछ और एड ऑन कर सकता था, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं, एंड अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट बढ़िया लगा तो फिर वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।